हेलो गाइस दोस्तों, जूही सूरज की लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग चैनल है, तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ब्लॉग चैनल है जिसको मैंने आज से स्टार्ट किया है, और इसमें हमारे लाइफ से रिलेटेड सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी फैमिली ब्लॉग की जो भी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको हर एक फैमिली मोमेंट जो भी हमारा रहेगा उस सभी से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, और इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इस वजह से। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था सुबह सुबह, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह उठने के बाद सारा काम अच्छा से हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा लेट होता है ना तो दिन भर काम भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज मैं एकदम शाम तक अभी तक काम कर ही रही थी, और अभी जस्ट अभी रेडी हुई हूँ। और क्योंकि अभी थोड़ा हो सकता है कि अभी हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले, आज मेरे हस्बैंड का प्रेप नहीं है इसलिए। तो अभी हम बालकनी में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये फ्लैट मेरे हस्बैंड को, मेरी हस्बैंड के यहाँ पे जॉब है तो वहाँ पे इनको मिली है। और हम लोग बस तीन लोग हमारे फैमिली में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और पापा जी। और हमारी शादी के मात्र एक साल हुए हैं, एक साल और तीन चार मंथ हुए हैं। 28 जून को मेरी शादी हुई थी 2021 में, तो एक साल हो गए हैं, मतलब 1.5 साल होने वाला है। तो ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे तीन लोग रहते हैं, मेरी सासू माँ नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। पिछले 2017 में मेरी सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो मेरी शादी 2021 में हुई थी और मेरी सासू माँ 2017 में ही डेथ हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे तीन लोग ही रहते हैं, बहुत छोटा सा फैमिली है हमारा। तो अभी मैं बालकनी में यहाँ पे खड़ी हूँ, और ये देख सकते हैं व्यू पीछे का, कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना। ये कॉलेज है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है संजय गुड़ावट यूनिवर्सिटी, आप लोग शायद जानते होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। ये इसी यूनिवर्सिटी मेरे हस्बैंड का जॉब है और यहाँ पे वो जॉब करते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर दरवाज़ा खोली हूँ। सकते हैं इस कॉलेज का व्यू, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और यहाँ पे नीचे बड़ा पाव वगैरह सब कुछ है। एक दिन मैं आपको ब्लॉग में सारे जो भी कॉलेज है सभी से। और ये हमारा रूम का बालकनी है, इससे पहले हम अपने हॉल के बालकनी में थे, तो मेरे फ्लैट में टोटल तीन बालकनी यहाँ पे दिया गया है। बैठो और खाओ, यहाँ पे हम बनाया है आज, वीडियो भी बनाया है इसका, टेस्ट करके देखो कैसा लग रहा है, खा के देखो पहले। पिरुकिया बोलते हैं ना, उसी तरह का बनाया है, खोवा डाल के समोसा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत टेस्टी है ना, अंदर में खोआ है। अगर हम इसमें चाहे तो मसाला, जैसे नमकीन मसाला वाला भी डाल के बना सकते हैं, नहीं होता है, जैसे मटर वगैरह सब डाल के। तो ये वीडियो हम किचन के लिए शूट किए थे, वो चैनल के लिए, बड़ी रसोई। अच्छा है ना, क्रिस्पी है ना, बस इसमें खोआ है, तो थोड़ा सा खोआ में ही बना लिए हैं, ज़्यादा खोआ लगा ही नहीं, और खोआ बचा हुआ ही है, तो उसको ऐसे ही खा जाना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसको बना दिए। अच्छा है ना, क्रंची।